उसके लिए जो भी वो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो हम लोग को सब पब्लिक के लिए सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, एक नंबर काम कर रहे हैं। जो भी है अपना परिवार बच्चा सब साथ में रहिए, सब मिलजुल के रहिए, किसी घर जाना आना नहीं, अपना चेकअप में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप अपने सुरक्षित रहिएगा तो जग सुरक्षित रहेगा। जैसे इस ये जो नियम लगा हुआ है इसका और भी जो आदमी को प्रॉब्लम है वो भी पूरा करने का ही किया जाए। क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? प्रॉब्लम में यही है जैसे अभी आदमी को बाहर नहीं निकलना है तो सामान लेना है और राशन खरीदना है, सब्जी खरीदना है, इस तरह से मार्केट पे ये मतलब इसका समस्या का समाधान किया जाए। वही है तो 10:30 के बाद में मान लीजिए कर्फ्यू लग जाता है, कर्फ्यू लगने के बाद में जो है कि यहाँ पे अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे इतने आबादी में बैठे हुए हैं, आदमी को बोला जाता है भीड़ भाड़ में नहीं रहिए, लेकिन यहाँ पे भीड़ बढ़ ही रहा है, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा ये होना चाहिए। जैसे हम ये कह रहे थे कि यहाँ लेट होने के कारण अगर आगे जाते हैं तो थाना वाला फिर मारपीट करता है, तो यहाँ इतना परेशानी झेल रहे हैं, उधर मारपीट भी खाना पड़ेगा, तो इससे फ़ायदा क्या हम लोग का है? चौपारण में है ये, चतरा मोड़ के नाम से ये जगह फेमस है, और यहाँ पे अमूमन इस वक्त काफ़ी भीड़ भरा इलाका रहता है, ये काफ़ी भीड़ रहती है इस जगह पे। लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक आदमी नहीं है हम बोल सकते हैं। हम कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे कि सभी की सभी दुकानें बंद है वो दिखाने के लिए, और दवाखाना जो है, मेडिकल्स जो है, मेडिकल सभी चालू है। एक वहाँ पर मेडिकल है, एक यहाँ पर मेडिकल है, इसे भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर जो मेडिकल है। पुलिस वन कंटिन्यू पेट्रोलिंग कर रही है। और एम्बुलेंस भी दिख रहा है हमें, और काफ़ी कम मात्रा में लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये यहाँ का मेडिकल है, ये अपनी जान को जोखिम में रख के इन्हें कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है। आइए इनसे कुछ बातें, सर्कल दिखाना चाहेंगे कंटिन्यूसली जो है सर्कल। हाँ, मेरा मेडिकल है। तो लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बस बहुत अच्छा, यहाँ चौपार में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सब नियम से आ रहे हैं दवा लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग को देखा जाए तो कंटिन्यू 24/7 काम करना पड़ रहा है, अभी चालू रखना पड़ रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही? परेशानी तो है, लेकिन जनता को देखना है, यहाँ किसी भी हाल में दुकान को बंद नहीं करना है, जरूरी के दवा सबको देना है, बस इसी का ख्याल रखा जा रहा है, परेशानी जो भी है उसको झेला जा रहा है। यादव के साथ अरविंद सोनी।